उसमें एक शेर आ जाता है, वो जानवरों को मारकर खाने लगता है। जंगली जानवर परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन सभी लोग बैठकर एक योजना बनाते हैं। सभी जानवर जो है मिलकर एक योजना बनाते हैं और कहते हैं, शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, शेर महाराज, महाराज की जय हो, आप ये बातें ऐसे जानवरों रोज जो है जानवरों को मत खाइए, ऐसे तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा। हमने एक योजना बनाई है, हर दिन आपके पास एक जानवर जाएगा जो आपकी भूख को शांत करेगा। ठीक है, समय पर एक जानवर रोज आ जाना चाहिए। ठीक महाराज, महाराज। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे हर दिन एक जानवर जाने लगा। बंदर, बंदर की बारी आई। आज तो मेरी बारी है, बाप रे क्या हाल होगा मेरा। देखे मैं देखे आपको शांति से। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ जानवर हर दिन शेर के पास जाते और शेर उन्हें अपनी खुराक बना लेता। फिर एक दिन बारी आई खरगोश की। खरगोश भी रास्ते में जा रहा था और रास्ते में जाते जाते उसे ख्याल आया, उसने कुछ सोचा और वो शेर के पास थोड़ा देर से गया। महाराज की जय हो, क्यों इतनी देर लग गई आने? महाराज मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन और मेरे साथ मेरा एक साथी भी आ रहा था। रास्ते में एक आपसे भी बड़ा शेर मिला और उसने मेरे साथी को खा लिया, जिस कारण से मुझे आपके पास आने में देर हो गई। एक तो मुझे इतनी भूख लगी है, ऊपर से तुम देर में आए हो और इतने छोटे हो, इससे मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। महाराज मैं सच कह रहा हूँ, यकीन ना हो तो आप चल के देख लीजिए। चलो दिखाओ चल के। चलिए ये देखिए महाराज, वो इसी कुएं में रहता है। कहाँ है देखिए, झांक कर देखिए आप। इससे जो है जब ये मतलब शेर इसमें झांकेगा और शेर दहाड़ेगा तो उसे उसकी अपनी परछाई दिखाई देगी और शेर उसको मारने के लिए कुएं में कूद जाएगा। इस तरह